दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, दिमागी विकास अच्छा हो, दिमाग का तेज हो, साथ ही वो समझदार हो। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि छोटे बच्चों को कैसे आहार खिलाना चाहिए जिससे कि उनका दिमाग जो है वो बहुत तेज हो, मानसिक विकास उनमें अच्छी तरीके से हो। जी हाँ दोस्तों, बच्चे के शारीरिक विकास के साथ उसके दिमाग का विकास भी स्वस्थ और पौष्टिक आहार पर निर्भर करता है। दोस्तों यदि आपके बच्चे के आहार में दिमाग के विकास के लिए जरूरी सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान नहीं है तो उसका दिमाग तेजी से विकसित नहीं होता है, अगर है तो विकास तेजी से होता है। सामान्यतः दोस्तों जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग का पूर्ण विकास 5 साल की उम्र तक हो जाता है। ऐसे में उनके अगर हम खान पान पर विशेष ध्यान देते हैं तो उनका दिमाग तेज हो सकता है, याददाश्त क्षमता जो होती है, मेमोरी पावर जो होती है उनकी, वो बढ़ सकती है। दोस्तों तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों हाल ही में बच्चों के दिमागी विकास पर एक शोध किया गया था, उसमें सामने आया था कि माँ के खान पान का असर बच्चे के दिमाग पर पड़ता है। यदि माँ ने गर्भावस्था के दौरान ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त आहारों का अच्छा सेवन किया होता है तो बच्चों का दिमाग तेज होता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओमेगा 3 जो होता है फैटी एसिड, ये मछली में अच्छा पाया जाता है, साथ ही पत्ता गोभी में पाया जाता है, फूल गोभी में ये पाया जाता है, अखरोट में भी ये पाया जाता है। तो ये जो होता है ये बच्चों के दिमाग के लिए बहुत लाभकारी होता है। उसी के साथ दोस्तों आप जान लेते हैं कि बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए। दोस्तों छोटे बच्चों को हरी सब्जियां अच्छी तरीके से देनी चाहिए। बच्चे के विकास के लिए हरी और पत्तेदार सब्जियां जो होती है वो बहुत लाभकारी होती है। बच्चे को आप 6 महीने के बाद ठोस आहार दे सकते हैं, इसलिए 6 महीने बाद आप उसके खान पान में पालक दें, पत्ता गोभी आदि शामिल जरूर कराएं। हरी और पत्तेदार सब्जियों में दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है जो बच्चों के विकास के लिए दोस्तों बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट दोस्तों अखरोट खिला सकते हैं आप। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने पहले बताया था अखरोट में भी दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है। अखरोट खाने से दोस्तों दिमाग तेज होता है, इसे आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं। अखरोट को आप सुबह नाश्ते में, दिन में स्नैक्स के साथ आप इसे दे सकते हैं। अखरोट में दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड के अलावा फाइबर, विटामिन बी, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स की अधिक मात्रा होती है और अच्छी मात्रा में होते हैं, इसलिए ये बच्चों के दिमाग के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसके अलावा आप बच्चों को सूखे मेवे दे सकते हैं जैसे किशमिश, बादाम, इनको पानी में भिगोकर आप दे सकते हैं जिससे उनके दिमाग का विकास होता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर आप मांसाहारी हैं तो आप बच्चों को मछली खिला सकते हैं, लेकिन 9 महीने बाद आप अपने बच्चों को मछली या मांस खिला सकते हैं। बच्चों के दिमाग के पूर्ण विकास के लिए मछली का सेवन करना लाभकारी होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता ही है, साथ ही कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि दिमाग के लिए लाभकारी होते हैं। और अगर आप मांसाहारी नहीं हैं दोस्तों, शाकाहारी है, तो आप दूध और दही का सेवन करवा सकते हैं। दोस्तों ये और भी लाभकारी होता है, बच्चे के दिमाग के विकास के लिए दूध और दही बहुत लाभकारी होता है। दही जो होता है दोस्तों वो दिमाग के सेल्स को लचीला बनाता है, इससे सिग्नल लेने और तुरंत प्रक्रिया करने की क्षमता बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, जो भी बोलते हैं वो सुनने की क्षमता, साथ ही उस पर क्या एक्शन लेना है उसकी क्षमता भी दही और दूध बढ़ाता है। फैट फ्री मिल्क का अगर आप सेवन करवाते हैं तो उसमें प्रोटीन, विटामिन डी और फास्फोरस का भंडार होता है जो दिमाग के लिए दोस्तों बहुत जरूरी होता है। और आखिरी दोस्तों, बच्चों को भूल कर भी फास्ट फूड और जंक फूड आप मत खिलाएं, ये उनके शरीर में बीमारियां पैदा कर देंगे और दिमाग के विकास के लिए बहुत बाधा डालते हैं। आप हो सके तो ये जो पौष्टिक आहार है इनको खिला सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी दोस्तों पसंद आई हो तो हमारा चैनल आप दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।